नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी के अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर सर कंपनीज के डिस्कशन नहीं है, जहाँ पे कुछ टेक्निकली चार्ट पैटर्न के हिसाब से जो स्विंग ट्रेडिंग बेसिस में जिस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न का यूज किया जाता है वो मैं आज सिखाने वाला हूँ। तो पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है कैंपस, देखिए सॉरी माफी चाहता हूँ, कैम्प्स। तो कैम्प्स जो है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज है। तो देखिए जो म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी का काम करते हैं, तो एज ए इन्वेस्टर सर्विसेज के ऊपर, उसके साथ डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के ऊपर, उसके साथ एसेट मैनेजमेंट के ऊपर काम करते हैं। जो एएमसी कैटेगरीज है, एसेट मैनेजमेंट मतलब मान के चलिए आपको कोई बड़े अमाउंट से इन्वेस्टमेंट करना है तो आपका फंड का जो मैनेजमेंट किया जाएगा तो उसके ऊपर भी काम करते हैं। साथ ही साथ जो म्यूचुअल फंड खुद चलाते हैं तो उसको एएमसी कहा जाता है। तो इस तरीके से सेक्टर के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी के एक मोनोपोली बिजनेस नहीं कहूँगा, हाँ एक बात में मोनोपोली है, कंपनी अकेला म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी है। तो इस बारे में कंपनी के ऊपर एक बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है तो कंपनी में अपकमिंग टाइम्स में एक अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस है। अभी कंपनी के दो पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बात, कंपनी की जो परफॉर्मेंस है वो एवरेज देखा जाए तो लास्ट ईयर 3 साल 5 साल में 36 से 40% के आसपास ग्रोथ है, और आरओसीई जहाँ पे आपको 40% के ऊपर ग्रोथ देखने को मिला, 42 से 45% के आसपास ग्रोथ देखने को मिला। डेप्थ के बारे में बात करें तो जीरो डेप्थ है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 26% के आसपास देखने को मिला, 26%, 30%, 29% के आसपास। मतलब प्रॉफिट मार्जिन का जो ग्रोथ है वो 26% से ज़्यादा आपको प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ देखने को मिला। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट तरीके से यहाँ पे मार्जिन इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। बाकी इस कंपनी के ऊपर सबसे जो इम्पोर्टेंस पॉइंट मुझे लगा वो है कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट। अगर देखा जाए तो कंपनी के सेल्स के आंकड़े के बारे में बात करूँ तो सेल्स यहाँ पे शानदार तरीके से ग्रोथ होता देखने को मिले, अलग लेवल का सेल्स का ग्रोथ हुआ। एक्सपेंस कंपनी कंट्रोल में रखने के बाद नेट प्रॉफिट 74 से 72 बना, फिर से 71 और इस बार 86 करोड़ बना, तो आज तक की हाईएस्ट प्रॉफिट है। तो जो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है उसके साथ साथ उसकी जो जो पॉइंट्स इम्प्रूवमेंट होना चाहिए उसके हाई ग्रोथेबल सिचुएशन देखने को मिला है। क्या उस कंपनी के ऊपर डरना चाहिए? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं, मतलब मैं खुद तो डरता नहीं हूँ। और बाकी आप किस तरीके से सोचते हैं जरूर कमेंट्स करना। और एक इंपॉर्टेंस पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो रिजर्व है इसका, मतलब रिजर्व था 2012 में 160 करोड़ के आसपास, वो आज बढ़ के हो चुके 750 करोड़ के आसपास, एक अलग लेवल का रिजर्व बढ़ता हुआ देखने को मिले। बोरिंग्स कंपनी के पास जीरो था, इस बार बोरिंग्स लिया मगर छोटे मोटे बोरिंग्स, 80 करोड़ का बोरिंग्स है। इतने बड़े कंपनी के ऊपर 14,000 करोड़ कंपनी के ऊपर 80 करोड़ का बोरिंग्स, मान के चलिए आपके जेब में 15,000 रुपया है और उनमें से 80 रुपीज आपको किसी को देना पड़े तो क्या आपको कुछ फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। उसी तरीके से सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिला। तो मैं इस कंपनी के टेक्निकली जो चार्ट पैटर्न यूज करूंगा उससे पहले आपको एक चीज बता दूं, म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी के ऊपर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया। ध्यान दीजिए इस चीज को, जो लोग सोच रहे हैं कि सर हम लोग को पहले पता नहीं होता कि कब स्टॉक भागने वाले हैं, तो इस चीजों को ध्यान देना। इंस्टीट्यूशन जब खुद के होल्डिंग 3% से 11% कर दिया म्यूचुअल फंड ने, और एफआईएस के पास 38% से बढ़ के हो चुके 47%, 10% होल्डिंग को बढ़ा दिया, तो सोचिए कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है। तो कैम्प्स के ऊपर मैं बहुत बुलिश इसीलिए हूँ क्योंकि कैम्प्स के ऊपर एक अच्छा खासा मुझे एंट्री भी मिला, और वो एंट्री मुझे बहुत दो बार एंट्री मिला था, पहले भी एक एंट्री मिला था उसके ऊपर टारगेट अचीव हो चुका है। तो दूसरी बार जो एंट्री है वो उसके ऊपर कफ विद हैंड पैटर्न बना, और फाइनली इस लेवल में बहुत दिन अटक के पड़े हुए हैं क्योंकि यहाँ पे जो रेंज बना, ध्यान दीजिएगा इस रेंज यहाँ पे स्ट्रांगली कंपनी के एक क्या है, सपोर्ट रेंज है। और मजेदार बात यही है कि कंपनी के ऊपर दो तरीके से मुझे इंडिकेट मिला है, पहले यहाँ पे कफ विद हैंड पैटर्न बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ और मेरा टारगेट है करीबन करीबन 3,350 के आसपास मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ, जो टारगेट निकल कर रहा है 24%। अगर मैं यही चीज को दो बार आपके साथ शेयर करूँ तो यहाँ पे एक क्या बना, एक मैं लाइव आपको बना के दिखा रहा हूँ, यहाँ पे क्या बना, एक शोल्डर बना, उसके बाद एक बिग यहाँ पे क्या बना, एक हेड बना, और उसके बाद फिर से एक छोटा सा शोल्डर बना, और फाइनली उसको ब्रेकआउट भी कंफर्म कर चुके हैं। अब देखेंगे तो ब्रेकआउट भी हो चुके हैं, अभी ब्रेकआउट कंफर्म होने का मैं इंतजार करूंगा। अगर कंफर्म हुआ
एक लंबा सा जर्नी फिर से आपको देखने को मिलेगा। वो लंबा सा जर्नी कहाँ से कहाँ तक है, वो अगर मैं यहाँ पे बिठा दूँ, इसी चीज को मैं अगर ऊपर बिठा दूँ, तो एटलीस्ट जो टारगेट निकल कर रहा है, जो प्रीवियस इसका हाई है, उसी हाई के नीचे, तो 31% के आसपास टारगेट मिलने वाला है। तो फिलहाल के लिए करंट लेवल से अगर मैं टारगेट तक देखूँ, तो ऑलमोस्ट 29% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो मैं दो तरीके से यहाँ पे एंट्री बनेगा, तो मैं इंतजार करूंगा। आपके क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करना। देखिए, सारी चीजों को सीखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं सारी चीजों को आपके साथ एज एजुकेशन पर्पस में आपको सिखाने के लिए सारी चीज आपके साथ शेयर करूंगा। प्लीज मेरे वीडियो को किसी रिकमेंडेशन के हिसाब से मत लीजिए, क्योंकि काम करना है तो आपको सीख कर करना पड़ेगा। और जो स्ट्रेटेजीज में मुझे 7 साल मुझे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाया, वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो प्लीज एक बार सीख कर काम करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी, उसका नाम है केपीआई ग्रीन एनर्जी। देखिए, केपीआई ग्रीन एनर्जी, आप सभी जानते हैं, इस कंपनी लगातार भागते चले जा रहे हैं, और पिछले दिनों में लोअर सर्किट बना था, और फिर से आज के दिन अपर सर्किट के बेसिस में देखने को मिला। तो देखिए, सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न दिखाऊंगा, ध्यान दीजिएगा। मैंने जब यहाँ पे करेक्शन हुआ था, तब मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से एक कैंडल को, यहाँ पे प्रीवियस कैंडल को नेक्स्ट कैंडल ने कवरेज किया, और हाई वॉल्यूम के साथ कवरेज किया, तो इसको इनसाइड कैंडल कहा जाता है। तो इनसाइड कैंडल जब भी बन जाते हैं, तो कोई भी पहले इनसाइड कैंडल बना और उसको ब्रेकआउट किया, तो सोचना नेक्स्ट डे में अगर अपसाइड में ब्रेकआउट हुआ, तो एक धमाका देखने को मिलेगा। तो मैं इसके ऊपर एंट्री नहीं लिया, मैंने इंतजार किया कि यहाँ पे कब बनेगा, उसके बाद एक हैंडल बने तो मैं एंट्री लूंगा। तो मुझे नहीं लग रहा कि वो हैंडल अभी बनेगा, क्योंकि जिस तरीके से इस केपीआई ग्रीन के ऊपर लगातार लोग बाइंग करते चले जा रहे हैं, एक फोमो बेसिस में, मतलब फोमो बेसिस में बाइंग हो रहा है। फिर भी मैं कहूंगा एक बार रिटेस्टमेंट करके भी वो वापस गया, इसका मतलब फिर से एक बड़ा धमाका होने का चांसेस है। बाकी केपीआई ग्रीन के ऊपर मैं दो चीज आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बात, कंपनी के हर पॉइंट आपको अच्छा लगेगा, सिर्फ दो पॉइंट इसका वीकनेस है। वो क्या है, जैसे देखेंगे कंपनी का डेप्थ 2.58% का इसका डेप्थ है, तो उसके साथ साथ कंपनी का जो प्रोमोटर का होल्डिंग है, उसमें से 45% एटलीस्ट आप बोल सकते हैं 50% के आसपास प्रोमोटर के पास होल्डिंग प्लेजिंग है। तो इस प्लेजिंग सिचुएशन में आप देखेंगे तो प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग्स है, इस होल्डिंग्स को आप जरूर याद रखिएगा। इस कंपनी के ऊपर आपको सारे चीज मेंटेन्स करके काम करना पड़ेगा। और मजेदार बात यही है कि इस कंपनी के ऊपर एक चीज को ध्यान रखना कि प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग्स है, इस होल्डिंग्स को अगर प्लेजिंग कम करे, इस कंपनी का जो नेगेटिव पॉइंट है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और डेप्थ को भी कंपनी को कम करना पड़ेगा। अब अभी आप कहेंगे सर इतना डेप्थ लेने का क्या जरूरत था। देखिए, बिजनेस जब एक्सपेंड हो रहा है, जब बिजनेस बढ़ रहा है, कंपनी का प्रोजेक्ट बढ़ रहा है, कंपनी को लगातार प्रोजेक्ट भी मिलते चले जा रहे हैं। देखेंगे आप तो यहाँ पे कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल में जो 13 करोड़ के आसपास कंपनी को प्रोजेक्ट मिला था, इस बार 203 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट मिल गया। तो 13 करोड़ से 203 करोड़, इतना बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए कंपनी के हाथ में उतना फंडिंग नहीं है, तो उस फंडिंग को कहाँ से मिलेगा, उसको लोन लेना पड़ेगा। और नया कंपनी है तो बैंक उसको उतना ज्यादा लोन भी नहीं देंगे, तो इसलिए क्या क्या खुद के शेयर को प्रोमोटर ने गिरवी रख दिया। तो ये सारे चीजों सिचुएशन को आपको समझना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप किसी भी कंपनी को देख लिया, आप वो भागते चले जा रहे हैं और उसके ऊपर निवेश कर देंगे, ऐसे बिल्कुल मत करिए। तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूं, तो कंपनी का बिजनेस आपको बहुत शानदार तरीके से देखने को मिलेगा, और ग्रोथ ऑफ सिचुएशन भी आपको बहुत बेहतरीन आपको देखने को मिलेगा। हाँ, जो दो पॉइंट्स वीकनेस है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, बाकी आप समझदार है, समझदारी से काम लीजिए। मैं खुद के हिसाब से ट्रेड लेता हूँ, आप आपके हिसाब से ट्रेड लीजिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है विप्रो लिमिटेड। तो विप्रो के बारे में बात करूँ, तो इंडिया के एक पॉपुलर कंपनी है, और इंडिया के एक हाथी जैसे आईटी कंपनी माना जाता है इसको, क्योंकि हाथी जिस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ता है, उसी तरीके से विप्रो भी धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। जब इस कंपनी के ऊपर बिग फॉल देखने को मिला था, और मैंने आपको ये बताया कि जब इस कंपनी यू टर्न लेंगे, तब एक फिर से रीबैक करेगा और टॉप लेवल तक मेरा टारगेट रहेगा। ये मेरा लॉन्ग टर्म टारगेट है, और जब जब इसके ऊपर स्विंग ट्रेडिंग बना, तब तक मैंने एंट्री लिया। तो फाइनली मुझे यहाँ पे एक एंट्री मिला था कफ विथ 100 पैटर्न्स का, फाइनली ब्रेकआउट हुआ, नीचे आए, ऊपर गया, टारगेट अचीव हो गया। सेकेंड टाइम अगर एंट्री को देखेंगे, तो एक बिग एंट्री फिर से एक बार बन चुके हैं, जो मैं आपके साथ यहाँ पे बना के शेयर करूंगा। तो मैं पहले एंट्री को यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे एक छोटा सा हैंडल बना, और उसके बाद माफी चाहता हूँ, छोटा सा यहाँ पे कफ विद हैंडल बनी, यहाँ पे हिडन शोल्डर बना। तो पहले एक शोल्डर बना, उसके बाद एक बिग हेड बना, उसके बाद एक छोटा सा शोल्डर पैटर्न क्रिएट हुआ। तो फाइनली शोल्डर पैटर्न क्रिएट होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद ध्यान दीजिएगा, ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी मिल चुके हैं। अभी इसका टारगेट कितना निकल कर है वो चलो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। तो टारगेट जो निकल कर है, मैं एक बार आपको जूम करके दिखा दूँ,
और भी क्लियर हो जाएगा। हाँ अभी देखिए, जो मेरा टारगेट जो मैं लेकर चलूंगा, इसका टोटल जो टारगेट है वो मैं इसको ऊपर बिठा देता हूँ, तो जो टारगेट निकल कर आ रहा है करीबन करीबन 28% के आसपास, और वो टारगेट होगा 640 के आसपास। तो बेहतरीन एक टारगेट मिलने का चांसेस है। और यहाँ पे दो तरीके से सीनरी आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे एक स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर जाना पड़ेगा तब इसका टारगेट मिलेगा। तो कोई बात नहीं, कंपनी स्ट्रांग है, कंपनी का परफॉर्मेंस स्ट्रांग है, तो उस बेसिस पे कंपनी को वो स्टडी करिए। और हाँ, ये जितने सारे टेक्निकली चार्ट पैटर्न मैं आपके साथ शेयर किया हूँ, और मेरा खुद का ट्रेड है, मेरा खुद का एनालिसिस है, तो प्लीज किसी के ऊपर काम करना है तो आपके खुद के रिस्क के हिसाब से, आपके जो मतलब एडवाइजर है उसके उसके साथ बातचीत करके ही काम करना। नेक्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है एसजी मार्ट लिमिटेड, मुझे बहुत सारे दोस्त ने कमेंट किया, सर आप बार बार स्प्लिट एंड बोनस के बारे में बातचीत क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए, बहुत सारे दोस्तों का ये भी कमेंट्स है, सर किस कौन सा कंपनी के ऊपर स्प्लिट बोनस डिविडेंड आ रहा है उसके बारे में पता नहीं चलता है, अगर आप एक बार इन्फॉर्मेशन दे दे तो अच्छा होता। तो इसलिए मैं इस वीडियो आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। तो मेरा किसी भी कंपनी के ऊपर रिकमेंडेशन नहीं है, तो इस कंपनी के ऊपर एसजी जो मार्ट है इसके ऊपर जो मतलब जो अपडेट था पिछले दिनों में, आपको एक के बदले एक बोनस कंपनी दे चुके हैं, तो कितने लोगों को बोनस मिला मुझे जरूर कमेंट्स करके बताना। वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।